टॉपिक बायोलॉजिकल मेथड एंड दिस लेक्चर इज द सेकंड लेक्चर अबाउट द बायोलॉजिकल मेथड। पिछले लेक्चर में हमने बायोलॉजिकल मेथड के 3 स्टेप्स को डिस्कस किया था, जो बाकी 4 स्टेप्स आज रहते हैं उनको हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। वी गोना स्टार्ट फ्रॉम द डिडक्शंस, उसके बाद हम एक्सपेरिमेंटेशन की बात करेंगे। एक्सपेरिमेंटेशन इज अ बिट इंपॉर्टेंट, उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने आज आपको सिखानी इंशाल्लाह अज़्ज़ल। और उसके बाद हम रिजल्ट्स को समराइज कैसे करते हैं और उसके बाद रिजल्ट्स को पब्लिश कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। देखिए जी, फोर्थ स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल मेथड इज डिडक्शंस। जब आपने हाइपोथेसिस बना लिया होता है ना, तो उसके बाद ये स्टेप स्टार्ट होता है। हाइपोथेसिस बन गया है कुछ ना कुछ, अब आपने उस हाइपोथेसिस की बेस पे डिडक्शंस करनी होती है। हम डिडक्शंस के बारे में कहते हैं कि डिडक्शंस आर द लॉजिकल सीक्वेंसेस कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाइपोथेसिस। यानी जो हाइपोथेसिस आपने बनाया है डिडक्शन के फेज में ना, आप उसकी बेस पे अगली बात करते हैं। अभी मैं आपको समझाता हूं जी। देखिए, आपने मिसाल के तौर पे 50 लोगों को ऑब्जर्व किया, कोविड की एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं। आपने 50 लोगों को कर लिया ऑब्जर्व कि भाई इनमें से 30 लोग मास्क लगाते थे और 20 लोग मास्क नहीं लगाते थे। अब जो 30 लोग मास्क लगाते थे उनमें से सिर्फ 1-2 लोगों को कोविड हुआ, बट जो बाकी 20 लोग थे जो मास्क नहीं लगाते थे उनमें से 10 या 15 लोगों को कोविड हो गया। अब इससे आपने हाइपोथेसिस ये दिया कि भाई जो मास्क है वो कोविड से बचाता है। इन ऑब्जर्वेशंस की बेस पे, ये आपके ऑब्जर्वेशंस थी, आपने 50 लोगों को ऑब्जर्व किया, ठीक है जी, जो मास्क लगाते थे कुछ और कुछ मास्क नहीं लगाते थे, उनकी बुनियाद पे आपने हाइपोथेसिस दे दिया कि भाई ये जो लोग मास्क लगाते हैं ना उनको कोविड होने के चांसेस कम है। अब सवाल ये है कि इससे डिडक्शन क्या बनेगी, आप इससे डिड्यूस क्या करेंगे। तो आप इससे डिड्यूस ये करेंगे कि देखिए जो मास्क है ना वो कोविड से बचाता है, और इसकी वजह ये है कि जो कोविड है वो सांस के थ्रू फैलता है। तो जब आपने मास्क लगाया होता है तो कोविड के जो वायरसेस हैं वो आपकी सांस के थ्रू ट्रांसफर नहीं हो सकते। अब देखिए, आपके हाइपोथेसिस में आपकी सांस का कोई ताल्लुक नहीं था, सिर्फ मास्क का ताल्लुक था, मास्क की बात हो रही थी। बट आपने इससे डिड्यूस ये किया अपने जहन को, अपने अक्ल को इस्तेमाल करते हुए कि ये मास्क जो है ना बुनियादी तौर पे ये आपकी सांस को साफ करता है, सांस को फिल्टर करता है, कोई जरासीम कोई केमिकल वगैरह अंदर नहीं जाने देता। तो इसका मतलब ये है कि कोविड जो है वो एक्चुअली हमारी सांस के थ्रू फैलता है। नाउ दिस वुड बी द डिडक्शन। ये डिडक्शन आप गौर कीजिए इज द लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द हाइपोथेसिस। जो आपने हाइपोथेसिस बनाया है उसकी बुनियाद पर कोई अक्ल की बात करना, इसको जो है ना जी डिडक्शन कहते हैं। डिडक्शन में हमेशा इफ या देन की लॉजिक यूज होती है कि अगर ऐसा है तो वैसा होगा। अगर कोविड के मरीज मास्क लगाने से कोविड से बच रहे हैं तो इसका मतलब है अगर तो इफ देन, अगर ऐसा है तो फिर ऐसा होगा। अगर कोविड के मरीज मास्क लगाने से कोविड से बच रहे हैं तो इसका मतलब है कि कोविड सांस के थ्रू फैलता है। अगर सांस के थ्रू ना फैलता होता तो फिर तो मास्क लगाने की कोई लॉजिक नहीं थी ना, राइट। सो ये है जी हमारी डिडक्शन। अब आपने डिडक्शंस भी कर ली, डिडक्शंस से फायदा ये होता है कि आपका हाइपोथेसिस एक्सपेंड हो जाता है, आपके पास एक से ज्यादा रिजल्ट्स आ जाते हैं, आपका जो हाइपोथेसिस है वो एक ब्रॉडर ऑडियंस पे जो है वो अप्लाई होने लग पड़ता है। डिडक्शंस के बाद हमारा अगला स्टेप है एक्सपेरिमेंटेशन का, एंड दिस स्टेप आई ऑलवेज से इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप पूरे के पूरे बायोलॉजिकल मेथड में। ये जो एक्सपेरिमेंटेशन का स्टेप है बेटा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बारे में आपके बुक वाला कहता है दिस इज द मोस्ट बेसिक स्टेप, सबसे बेसिक स्टेप बायोलॉजिकल मेथड का जो है वो एक्सपेरिमेंटेशन का है। एक्सपेरिमेंटेशन में अब हम करते क्या है कि जो भी हाइपोथेसिस आपने तय किया है, आपने बनाया है, उस हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया जाता है। ये आपका हाइपोथेसिस है फॉर एग्जांपल, तो इस हाइपोथेसिस के साथ अब एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन होगी। आपने हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंट में डाला, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन होगी उसकी कि क्या वाकई आपका हाइपोथेसिस सही है या गलत है। अब इसमें आपके पास दो रिजल्ट्स हो सकते हैं बेटा। एक रिजल्ट तो ये हो सकता है कि एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के नतीजे में आपका हाइपोथेसिस जो है वो
करेक्ट साबित हो जाए, सही साबित हो जाए, और यह भी हो सकता है कि एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के नतीजे में आपका जो हाइपोथेसिस है वो इनकरेक्ट साबित हो जाए। दोनों पॉसिबिलिटीज होती है। मिसाल के तौर पे आपने जो ये कहा कि जो कोविड है वो मास्क लगाने से कम फैलता है, मास्क आपको कोविड से बचाता है, अब आप इसी चीज को लेके आएंगे एक्सपेरिमेंट में, एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि क्या ये मेरा हाइपोथेसिस सही है या गलत है। तो दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, या आपका हाइपोथेसिस सही साबित हो जाएगा या आपका हाइपोथेसिस गलत साबित हो जाएगा। अगर आपका हाइपोथेसिस सही साबित होता है तो फिर आपके पास अगला ऑप्शन होता है समराइजेशन ऑफ द रिजल्ट का। आप फिर एक्सपेरिमेंटेशन के बाद समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स पे चले जाते हैं, यानी अगले स्टेप पे चले जाते हैं। बट ये भी हो सकता है कि आपका हाइपोथेसिस गलत साबित हो, तो उस केस में, इनकरेक्ट हाइपोथेसिस के केस में, आप दोबारा ऑब्जर्वेशन वाले स्टेप पे चले जाते हैं। आप दोबारा ऑब्जर्वेशन करेंगे, फिर दोबारा ऑब्जर्वेशन की बेस पे नया हाइपोथेसिस बनाएंगे, उस हाइपोथेसिस को से डिडक्शन बनाएंगे, फिर दोबारा एक्सपेरिमेंट पे आएंगे। अगेन अगर आपका हाइपोथेसिस वहां पे सही साबित हो गया तो आप आगे चले जाएंगे, अगर आपका दूसरा हाइपोथेसिस भी गलत साबित हो गया तो आप दोबारा ऑब्जर्वेशंस वाले स्टेप पे चले जाएंगे, और इस तरह ये साइकिल चलता रहता है। तो आप ऐसे समझिए दैट दिस एक्सपेरिमेंटेशन इज अ चेक पॉइंट इन द बायोलॉजिकल मेथड। जो काम भी आप करते आ रहे हैं उस काम की वेरिफिकेशन करना कि ये काम सही है या गलत है, करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ये होता है जी एक्सपेरिमेंटेशन में। अब इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि एक्सपेरिमेंटेशन का प्रोसेस, एक्सपेरिमेंटेशन का स्टेप कितना इंपॉर्टेंट है। एक्सपेरिमेंटेशन के हवाले से एक दो बातें और हैं जो मैं आपके साथ करना चाहूंगा, और वो है जी कंट्रोल ग्रुप के बारे में। देखिए जब भी कोई भी एक्सपेरिमेंट होता है तो उस एक्सपेरिमेंट में ना बेटा हमेशा दो ग्रुप होते हैं, देयर आर ऑलवेज टू ग्रुप्स इन द एक्सपेरिमेंट। एक ग्रुप को हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, और दूसरे ग्रुप को कहते हैं हम कंट्रोल ग्रुप। हमेशा जो भी एक्सपेरिमेंट होगा उसमें हमेशा ये दो ग्रुप्स होंगे बेटा। एक एक्सपेरिमेंट इन दो ग्रुप्स के बगैर हो ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है। जब तक आप ये दो ग्रुप बनाएंगे नहीं आपका एक्सपेरिमेंट नहीं होगा। अब यहां पर बहुत ही अहम सवाल ये है कि इन दोनों ग्रुप्स में फर्क क्या है, और इन दोनों ग्रुप्स को हम बनाते क्यों हैं, और एक सवाल ये भी है कि ये दो ग्रुप बनाने की जरूरत क्या है, क्या हम एक ही ग्रुप के थ्रू पूरा एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। द आंसर इज नो, हम बिल्कुल नहीं कर सकते। देखिए जब भी आपने किसी एक चीज को प्रूव करना होता है ना तो उसका कंट्रास्ट बहुत जरूरी होता है। मिसाल के तौर पर अगर आपने ये प्रूव करना है कि आप अगर मास्क लगा लें तो कोविड से बच सकते हैं, तो इसका कंट्रास्ट होना लाजमी है। ऐसे लोगों को ऑब्जर्व करना लाजमी है जो मास्क नहीं लगाते। जब तक आप कंपैरिजन नहीं करेंगे, कंट्रास्ट डेवलप नहीं करेंगे, आपका एक्सपेरिमेंट कंप्लीट नहीं होगा। तो ये जो दो ग्रुप हम बनाते हैं ना, जो इनमें जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है ये वो ग्रुप होता है जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है, और जो कंट्रोल ग्रुप होता है ये वो ग्रुप होता है जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के कंट्रास्ट के लिए यूज किया जाता है। कोविड वाली एग्जाम्पल अगर हम लें तो उस हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए जो ये कहता है कि मास्क लगाने से कोविड कम फैलता है, हम क्या करेंगे, हम 20 लोग लेंगे जिनको मास्क पहनाएंगे, और 20 लोग ऐसे ऑब्जर्व करेंगे जो मास्क नहीं पहनते, और उनको बाहर भेजेंगे या वो बाहर जाएंगे और उनकी एक्टिविटी हम नोट करेंगे, और अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे हम ये देखेंगे कि जो मास्क लगाने वाले थे उनमें से कितने लोगों को कोविड हुआ, और जो लोग मास्क नहीं लगाते थे उनमें से कितने लोगों को कोविड हुआ। तो हमारे पास एक क्लियर पिक्चर आ जाएगी इन दोनों ग्रुप्स की। सो ये जो कंट्रोल ग्रुप होता है बेटा ये हमेशा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप से कंट्रास्ट के लिए, कंपैरिजन के लिए यूज होता है, और इसको सारी नॉर्मल कंडीशंस दी जाती है। अब यहां पे मैंने एक और एग्जांपल इंसर्ट की है जो कि आपके टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइजेस में भी आएगी। मिसाल के तौर पे आप ये चेक करना चाहते हैं कि क्या पौधे की ग्रोथ पे एक फर्टिलाइजर, हम मिसाल लेते हैं नाइट्रोजन की, क्या पौधे की ग्रोथ पे नाइट्रोजन का रोल है या नहीं है। तो इसका सबसे आसान तरीका क्या है कि आप दो पौधे लें, उन दो पौधों में से एक पौधे को नाइट्रोजन दें, दूसरे पौधे को नाइट्रोजन ना दें, और उन दोनों की ग्रोथ चेक करें। अगर तो वो पौधा जिसको हमने नाइट्रोजन दी है उसकी ग्रोथ ज्यादा हुई है, और जिसको नाइट्रोजन नहीं दी उसकी ग्रोथ कम हुई है, इसका मतलब है कि भाई पौधे को नाइट्रोजन की जरूरत होती है। और अगर उन दोनों की ग्रोथ में फर्क नहीं पड़ा, इसका मतलब है पौधे को नाइट्रोजन की जरूरत नहीं होती। अब यहां पर आप देखिए, तो जो आप एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बनाएंगे ना, जो आप एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बनाएंगे उसको आप नाइट्रोजन दे देंगे, उसको आप वो फर्टिलाइजर दे देंगे जिस फर्टिलाइजर के बारे में आपका ख्याल है कि इस फर्टिलाइजर का रोल ग्रोथ में है, और जो कंट्रोल ग्रुप आप बनाएंगे उसमें आप वो फर्टिलाइजर नहीं देंगे,
क्योंकि आपका मकसद है कंपैरिजन, क्योंकि आपका मकसद है इन दो चीजों के दरमियान तय करना कि कौन सी चीज सही है. सो दिस इज ऑल अबाउट द कंट्रोल ग्रुप. और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा आता होता है और आपको बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है. जो हमारा ऐप में आपको शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन मिलेगा उसका, उसमें वहां पर मैंने एक बड़ा कंप्रीहेंसिव आंसर इसका लिखा है, तो आप इसको वहां से याद कर सकते हैं. एक्सपेरिमेंटेशन के बाद अगर हम आगे चलें तो हमारा जो अगला स्टेप है बेटा, दैट इज द समराइजेशन ऑफ द रिजल्ट्स. देखिए एक्सपेरिमेंट हो गया, उसके बाद हमने यहां आना है समराइजेशन ऑफ द रिजल्ट्स पे. बट यहां पर हम उसी वक्त आते हैं जब हमारा हाइपोथेसिस सही साबित हो जाता है, हमारा हाइपोथेसिस एक्सपेरिमेंटेशन के नतीजे में करेक्ट साबित हो. अगर तो गलत हो गया तो फिर हम दोबारा ऑब्जर्वेशन पे चले जाएंगे. ये हम बात कर रहे हैं उस केस में जब हमारा हाइपोथेसिस सही साबित हो गया. तो इस स्टेप में हम, अब हमारे पास एक्सपेरिमेंटेशन के नतीजे में जितना भी डेटा आया होता है उस डेटा को हम समराइज करते हैं, उस डेटा को हम इकट्ठा करते हैं. बिकॉज देखिए जो एक्सपेरिमेंटेशन है वो कोई इतना आसान स्टेप नहीं होता. बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट हम लगाते हैं, डेटा आता है इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, डेट्स, इस तरह. तो उस इतने ज्यादा डेटा को अब समराइज करना होता है, इकट्ठा करना होता है, उसमें से रिजल्ट्स निकालने होते हैं. तो ये वाला जो स्टेप है इसको हम समराइजेशन ऑफ द रिजल्ट्स कहते हैं. अब डेटा को समराइज करने के लिए हम आमतौर पर स्टैटिस्टिकल टूल्स का सहारा लेते हैं. एक सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिक्स और उसमें बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स पढ़ाई जाती हैं जो डेटा समराइजेशन के लिए या डेटा एनालिसिस के लिए यूज होती हैं. तो समराइजेशन ऑफ द रिजल्ट्स में हम उन टूल्स का सहारा लेके अपने डेटा को समराइज करते हैं. और बायोलॉजिकल मेथड का जो सबसे आखिरी स्टेप है, दैट इज रिपोर्टिंग ऑफ द रिजल्ट्स. देखिए आपके पास रिजल्ट्स आ गए, अब आपने आखिरी काम करना है कि उन रिजल्ट्स को रिपोर्ट करना है. अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई रिजल्ट्स को रिपोर्ट करने की क्या जरूरत है या उनको हमने कहां पे रिपोर्ट करना है. देखिए कुछ साइंटिफिक जर्नल्स होते हैं जिनमें आप अपने काम को रिपोर्ट करते हैं. साइंटिफिक जर्नल्स को आप बिल्कुल ऐसे समझिए जैसे आपके पढ़ने के लिए छोटे छोटे रिसाले और किताबें नहीं होती. अभी आप तो नेक्स्ट जनरेशन है, जब हम आपके जितने होते थे तो बच्चों की दुनिया और इस तरह के छोटे छोटे रिसाले और किताबें आया करती थी जिनमें कहानियां मौजूद होती थी बच्चों के लिए, तो बच्चे उनको पढ़ते होते थे. अच्छा, सिमिलरली उन्हीं रिसालों की तरह कुछ साइंटिफिक जर्नल्स होते हैं जो हर महीने, हर छह महीने के बाद या हर साल के बाद पब्लिश होते हैं. और उन जर्नल्स में उन लोगों का काम होता है जो एक्सपेरिमेंटली प्रूव होता है और जिन्होंने अपनी दिन रात एक करके कोई ना कोई साइंटिफिक काम किया होता है, उस काम को पब्लिश किया जाता है. तो जब भी आप कोई भी काम कर लेते हैं, कोई भी साइंटिफिक काम कर लेते हैं, फिर आप उसको किसी जर्नल को भेजते हैं, उनको कहते हैं देखिए साहब ये काम मैंने किया है, अब आप इसको जरा चेक कर लें, इसको ऑब्जर्व कर लें, इसको पढ़ लें, और अगर आप ये समझते हैं कि मेरा काम इस काबिल है कि पब्लिश किया जा सके तो इसको काइंडली पब्लिश कर दें. अब इसका मकसद ये होता है कि जो काम यहाँ पाकिस्तान में लाहौर में बैठे किसी एक साइंसदान ने किया है उसका, उस काम का पूरी दुनिया के लोगों को पता चल जाए. सो इस मकसद के लिए जो साइंसदान है वो अपने रिजल्ट को इन द जर्नल्स रिपोर्ट करते हैं. इसके साथ ही हमारे बायोलॉजिकल मेथड के साथ स्टेप्स पूरे हो गए. आज के लेक्चर के लिए इतना ही. आपका कोई भी सवाल हो, यू पीपल आर मोर देन वेलकम टू आस्क मी ऑन द पोर्टल. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. अल्लाह हाफिज.